नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, मैं आज आपके साथ और बात करने वाली हूँ अबाउट द हिपोक्रेसी ऑफ बॉलीवुड, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बातें मैंने शुरू की है उन बातों का जब तक अंजाम नहीं आता तब तक बात करना बहुत जरूरी है। कल मैंने आपसे बात करी थी कि कैसे अमिताभ बच्चन जी का एक वीडियो आया जहां पर उन्होंने एक पट्टा बांधा हुआ था अपने सर पे, बिकॉज उन्होंने अपना हेयर पैच नहीं लगाया होगा। और वो वीडियो में वो कह रहे थे कि कैसे नानावटी के डॉक्टर्स एंड नर्सेस कितना उनको हेल्प कर रहे हैं। अब मुझे बाद में पता चला है कि वो अप्रैल का वीडियो है, ना कि अभी हाल का, कल का या परसों का, बिकॉज कल हम सबको पता चला कि ही वॉज डायग्नोज विद कोविड, ही एंड हिज सन एंड ऐश्वर्या राय बच्चन एंड हर डॉटर आराध्या बच्चन। नाउ ऐश्वर्या एंड द डॉटर आर क्वारंटाइन एट होम, बट अमिताभ बच्चन एंड अभिषेक बच्चन हॉस्पिटल में भर्ती है, एंड हॉस्पिटल इज नन अदर देन नानावती। जी हाँ, नानावती के अंदर जो वीडियो बनाया था उन्होंने, जो कल वायरल हुआ था आफ्टर हिज कोविड इन्फेक्शन इंफॉर्मेशन, वो कल का वीडियो नहीं था, वो अप्रैल का वीडियो था। बट ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन जी हैज बीन एडमिटेड थ्रू नानावती हॉस्पिटल। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि अमिताभ बच्चन जी एंड अभिषेक बच्चन जी वर नॉट शोइंग एनी सिम्टम्स, दे वर एसिम्टोमैटिक कोविड पेशेंट्स एज पर न्यूज रिपोर्ट्स। तो वो लोग अपने घर में भी क्वारंटाइन हो सकते थे क्योंकि उनका घर तो बहुत बड़ा है। जी हाँ, वो लोग बहुत रिच लोग हैं तो उनका घर तो बहुत बड़ा है, और मैंने सुना है कि उनके घर के अंदर तो आईसीयू भी है, मिनी आईसीयू भी है, दो डॉक्टर्स हैं जो 24 आवर्स रहते हैं। तो आई डोंट थिंक दे रियली नीडेड टू गेट टू एडमिटेड टू नानावती हॉस्पिटल। एंड अभिषेक इज यंग, अभिषेक इज नॉट इवन ओल्ड। आप समझ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन को शायद यू नो बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज वॉन्ट्स टू गेट एडमिटेड टू नानावती हॉस्पिटल, दो इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि उनका घर ही एक मिनी हॉस्पिटल की तरह है। बट एनी वेज, बात बात में बात निकली है कि समवेयर अमिताभ बच्चन जी इज लिंक्ड विद द इन्वेस्टमेंट टीम ऑफ नानावती। आई डोंट नो इफ दिस इन्फॉर्मेशन इज रियल और फेक, मगर बहुत सारे व्हाट्सअप फॉरवर्ड्स आ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे अमिताभ बच्चन जी जानबूझकर मतलब जोर शोर से ये हॉस्पिटल को प्रमोट कर रहे हैं नानावती को। आई डोंट नो व्हाई इज ही डूइंग दैट, हैज ही गॉट सम वेस्टेड इंटरेस्ट, इज ही द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नानावती, बिकॉज बार बार आप एक हॉस्पिटल को प्रमोट करें जबकि बॉम्बे में बहुत सारे हॉस्पिटल है, नीलावती है, कोकिला बेन है, नानावती है। ठीक है, अच्छी बात है, आप नानावती जाते हैं ठीक होने के लिए, शायद वो आपके घर के बाजू में है, मगर नानावती के साथ आपका इतना संबंध क्या है कि आप बार बार हर वीडियो में हर जगह उसे प्रमोट कर रहे हैं। सो आई फील प्रोबेबली ही इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नानावती हॉस्पिटल, आई डोंट नो, बिकॉज जो आदमी बार बार हर समय हर एक अपडेट देता है अपने हेल्थ के ऊपर, और वो इतना कुछ अवेयर है और इतना कुछ सोशली यू नो विजिबल सेलिब्रिटी है, विजिबल लेजेंडरी सेलिब्रिटी है जैसे अमिताभ बच्चन जी, उनके पास टाइम नहीं है टू ट्वीट ऑन सीबीआई इंक्वायरी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत डेथ, देन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो ऑब्वियसली थोड़ी हिपोक्रेसी नहीं, बहुत ज्यादा हिपोक्रेसी दिखा रहे हैं। बिकॉज मेरा मुद्दा तो वही रहेगा कि सीबीआई मांग फॉर सुशांत सिंह राजपूत डेथ, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो एक मजाक बन के रह गया है। मैं ऑब्वियसली पूछना चाहती हूँ जया बच्चन जी से, जो हरदम कहती है कि वो सच बोलती है क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने सलमान खान जी के ब्लैक बक केस पोचिंग केस में, ब्लैक बक पोचिंग केस में कहा था कि सलमान खान को रिलीफ मिल जाना चाहिए बिकॉज उन्होंने बहुत ह्यूमैनिटेरियन वर्क किया है। जी हाँ, उन्होंने भी मानवता की बात करी थी। ये जया बच्चन जी, जिनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, शी वॉज अ ग्रेट एक्ट्रेस एंड शी हैज ऑलवेज बीन रिस्पेक्टेड बाई मी एज एन एक्टर, मगर उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी केओस करके ऑब्वियसली फिर से सत्ता में आना चाहते हैं, बिकॉज शी वॉज टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ समाजवादी पार्टी जिनकी पार्टी से उनको टिकट मिला था। तो जया बच्चन जी, आप सलमान खान जी की ह्यूमैनिटेरियन वर्क की बात करते हैं, वो सलमान खान जी who had a relationship with your बहू ऐश्वर्या राय बच्चन, and apparently his relationship with ऐश्वर्या राय बच्चन was not so I think good, because बहुत सारे experts आए, excerpts आए हैं, excerpts आए हैं सलमान खान जी और ऐश्वर्या राय के बातचीत की, विच हैपेंड ऑन द फोन एंड दिस हैज बीन पब्लिश्ड बाय अ थर्ड पार्टी कॉल्ड एज आउटलुक। और इन बातचीत में यू नो सलमान खान इज टॉकिंग अबाउट चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म, एंड ही इज सेइंग दैट आई एम द ओनली वन हु न्यू इट, नदीम रिजवी और भरत शाह ऑल्सो डिड नॉट नो इट, आई डिड द रोल इन चोरी चोरी चुपके चुपके बिकॉज आई वॉज स्कैर्ड ऑफ छोटा शकील। छोटा शकील इज अपेरेंटली इन अंडरवर्ल्ड डॉन, ये मुसलमान शकील सेड, ये मुसलमान आदमी हमारा हिंदुस्तान को आगे लेके जाएगा। तो दैट इज वॉट द
कॉन्वर्जेशन बिटवीन हिम एंड ऐश्वर्या राय इज डिपिक्टेड एंड रिटन इन आउटलुक विच इज अ थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन. साथ साथ में आउटलुक में ये भी कहा जाता है जब सलमान खान ऐश्वर्या से बात कर रहे थे फोन के ऊपर, तो उन्होंने कहा ऐश्वर्या को कि मैंने तुमको अब्बू सलीम के शो में डाला और अब तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो. एंड ही इज ऑब्वियसली यूजिंग एन अब्यूज विच इज कॉल्ड एज फकिंग बिच. जी हाँ, वो ये शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं. सॉरी दैट अब्यूज इज ओके बिकॉज ही इज सलमान खान, बट पायल रोहतगी इफ शी कॉल्स एनीबडी कुतिया देन दैट इज अ हॉरेंडस क्राइम कि उसका ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया जाता है. तो जया बच्चन जी, आपको शायद ये नहीं पता था, तो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन विद यू बिकॉज आप भी मानवता की बात कर रही थी ओवर ब्लैक बक पोचिंग केस एंड वॉन्टिंग टू गिव रिलीफ टू सलमान खान जी. आई थिंक योर डॉटर इन लॉ वॉज देयर इन योर हाउस एट दैट टाइम. तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको सुशांत सिंह राजपूत के देख के ऊपर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग भी रखनी? You're such a strong lady and I have respected you. It's not that I have to agree to all your opinions, but I can call out and say that Jaya Bachchan ji, aap kyun nahi Sushant Singh Rajput ke nidhan ke upar CBI inquiry ki maang rakh rahi hai? He was not from any political party. He was an outsider. Aur aap obviously ek lady hai jo apna man rakhi hai. Then why aren't you saying something on manavta ke basis pe over a CBI inquiry on Sushant Singh Rajput's death? ये मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आपने सलमान खान जी को सपोर्ट किया था इवन दो ऐश्वर्या राय वॉज मैरिड टू योर हाउस. सो दैट शोज दैट यू आर एन अनबायस्ड लेडी. आपको लगा कि सलमान खान जी को रिलीफ मिलना चाहिए, तो आपने ऐसा बयान दिया. तो क्यों अभी आपको नहीं लगता कि सीबीआई इंक्वायरी राजपूत? सब कुछ राजनीति नहीं होता, कुछ मानवता भी होता है. बिकॉज दिस इज टू द यू नो फर्स्ट फैमिली ऑफ बॉलीवुड, दैट इज अमिताभ बच्चन जी एंड द एंटायर फैमिली. क्योंकि आप लोग इतना कुछ ट्वीट करते हैं नानावती के बारे में, नानावती हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के बारे में, नर्सेस के बारे में. आई एम वेरी श्योर दे आर नॉट इवन चार्जिंग यू अ रूपी, बट उसके अलावा आई फील एज इफ यू आर सम इनसाइड बोर्ड मेंबर और अ पार्ट ऑफ सम इन्वेस्टमेंट टीम. बिकॉज इस तरह से तो कोई कोई हॉस्पिटल को प्रमोट नहीं करता. बिकॉज वी नो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आर मनी minded people. अगर वो किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका वेस्टेड इंटरेस्ट जरूर होगा. Nobody is like me doing free promotion on all platforms and उसका प्लेटफॉर्म डिलीट हो जाता है. तो ये मैं खाली इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ टू एक्सपोज द हिपोक्रेसी ऑफ बॉलीवुड. साथ साथ में मैंने ये भी सुना है कि रेशमा शेट्टी, जो पहले सलमान खान की मैनेजर थी, जी हाँ, मैं रेशमा शेट्टी को देखा है, मिला है when I went to meet सलमान खान at his farm house with Sangram ji, and now she's apparently handling Akshay Kumar. And ये सुनने में आया है कि Akshay Kumar wanted to do a film of Sushant Singh Rajput, जो वो director ने उनको नहीं करने दी. That was Neeraj. He had told Neeraj that he wanted to be in Dhoni's biopic, but the director Neeraj wanted Sushant Singh Rajput to be. तो ऐसा तो बहुत जगह होता है कि first choice कोई और होती है and say, एंड में कोई और वो रोल कर रहा होता है. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल फैक्ट्स कि यहाँ पर मैं ना हिंदुओं के खिलाफ हूँ, ना मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ. मैं यहाँ पे फैक्ट्स रखने का प्रयास करती हूँ. ना हिंदू मेरा सगा है, ना मुस्लिम मेरा सगा है. मैं यहाँ पर सबकी सगी हूँ जो भारतीय है और भारत के हित में काम करते हैं, और मेरे हिसाब से लगता है मुझे कि मुझे उनको सपोर्ट करना चाहिए. तो यहाँ पर अक्षय कुमार जी का नाम जुड़ा हुआ है, दैट उन्होंने शायद पृथ्वीराज फिल्म से सुशांत सिंह राजपूत को निकाला था. आई डोंट नो इफ इट इज अ रूमर और इट इज अ फैक्ट, मगर सबने सभी को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फिल्म से निकाला होता है. बात वो नहीं है, बात ये है कि आप जानबूझ के एक प्रॉपर कैंपेन चलाते हैं जिस कैंपेन द्वारा एक आदमी के हाथ से 6-7 फिल्में चली जाती है. जी हाँ, ये एक कॉन्स्पिरेसी है और इसके ऊपर हम ऑब्वियसली सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं बाय पीपल लाइक अमिताभ बच्चन जी, जो इतना ट्विटर एक्टिव है, जो अपने हेल्थ अपडेट्स देते हैं, नानावती को इतना प्रेस करते हैं, बाय जया बच्चन जी जो ब्लैक बक पोचिंग केस में सलमान खान जी के समर्थन में आती है ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन. ऐश्वर्या राय जी, आप ज्यादा नहीं बोलती, आई हैव नोटिस, बट व्हेनेवर यू टॉक थिंग्स दैट आर क्लोज टू योर हार्ट. एंड सिमिलरली आई एम आस्किंग यू एज अ लेडी, दिस मैन डाइड एंड वी डोंट नो व्हाई एंड व्हाट compelled him to either commit suicide or is it a pre-planned murder. So as a lady, as an Indian, I'm asking you, don't you think you should talk about his death because you were also an outsider before you became Miss World. Ji haan, aapka Miss World ka khitab aapko mila because you worked hard and you obviously survived for so many years in Bollywood. So it is a great journey, but don't you think you should respect a person who was a background dancer in one of your performances and from there he became one of the youngest superstars and now we don't know why he has died. Ashwara Jai ji, this question is for you because CCTV footage is a mystery. Juice
हिस्ट्री इज अ मिस्ट्री, डुप्लीकेट की थिंग इज अ मिस्ट्री, 56 सिम्स का सिम कार्ड इश्यू इज अ मिस्ट्री, स्ट्रैंगुलेशन मार्क ऑन हिज नेक इज अ मिस्ट्री, बाथ ब्रोकन बाथरोब बेल्ट इज अ मिस्ट्री, नो स्टूल चेयर इन द रूम इज अ मिस्ट्री, इंस्टा ट्विटर अकाउंट्स आर बीइंग हैम्पर्ड इज दैट इज आल्सो अ मिस्ट्री, एंड एवरीबॉडी वांट्स अस टू बिलीव कि ये जो डेथ है सुशांत सिंह राजपूत की दैट इज ड्यू टू दैट इज ड्यू टू सुसाइड, एवरीथिंग इज अ मिस्ट्री बट द डेथ इज अ सुसाइड. तो मैं आपसे एज अ यू नो बेसिक सवाल पूछ रही हूँ बिकॉज यू कम अक्रॉस एज एन इंटेलिजेंट लेडी, डोंट यू थिंक यू शुड टॉक अबाउट अ सीबीआई इंक्वायरी इनटू हिज डेथ, बिकॉज बहुत सारे सवाल है यू नो जो मुझे समझ नहीं पड़ रहा कि लोग जो इतना सोशल मीडिया एक्टिव होते हैं वो क्यों ये सवाल को इग्नोर करके बाकी सब चीज के ऊपर टिप्पणी करते हैं. डू यू नीड टू बी पेड फॉर एवरीथिंग दैट यू टॉक? आई एम आस्किंग यू बिकॉज सेलिब्रिटीज यूजली टॉक अपॉन इश्यूज विच ऑन विच दे आर पेड. जी हाँ, बट एवरी इशू यू डोंट नीड टू बी टॉक्ड, यू डोंट टू बी पेड टू टॉक, यू नो, बिकॉज सरोज खान जी ने भी कभी कहा था अपने कोई वीडियो में कि हाउ शी ट्राई टू कॉन्टैक्ट सलमान खान जी बिकॉज शी वॉन्टेड वन अपाहिज lady to meet him and that apahij lady had money, she just wanted to hear Salman Khan ji's voice on the phone. So Saroj Khan ji, whom everybody has respected, has shared her ordeal that how she could not get to Salman Khan when she wanted to get to him. So Salman Khan ji, this is on humanitarian you know basis that I'm trying to address you, I'm trying to address Amitabh Bachchan ji, I'm trying to address Aishwarya Rai, Jaya Bachchan ji, who's jo apna hardam apna you know man rakhti hai, apni thoughts rakhti hai, unko lagta hai ki agar Modi sarkar satta mein aane से पहले केओस कर रही है तो वो अपने विचार भी रखती है, नॉट इवन बॉदरिंग कि व्हाट विल हैपन टू हर हस्बैंड्स प्रोस्पेक्ट एज यू नो अ लेजेंड बिकॉज लॉट ही गेट्स अ लॉट ऑफ यू नो stuff from the government. He's a brand ambassador for Gujarat tourism. He is obviously a brand ambassador for 100 things because Amitabh Bachchan ji is a superstar. So not even thinking about anything, Jaya Bachchan ji says her mind in public places. And so I just want to ask, ki abhi Jaya Bachchan ji kyun chup hai and why is she not talking about all these things? साथ साथ में सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी की मांग रखने वाले स्वामी जी के एक लॉयर ने, सुब्रमण्यम स्वामी जी के लॉयर ने मुंबई पुलिस को लिखा है कि वो चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा ऑफ पीपल लिंक्ड टू द केसेस बी प्रिजर्व्ड और बी हैंडेड ओवर टू हिम. नाउ दैट इज द मांग बाय सुब्रमण्यम स्वामी जी इज लॉयर. आई फील ही इज अ सेंसिबल पर्सन, ही विल बी एबल टू काइंड ऑफ स्टार्ट अ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इफ ऑब्वियसली वी कैन गेट थ्रू विद दैट, बिकॉज यहां पर मुझे केंद्रीय सरकार से तो कोई सपोर्ट आता हुआ लग नहीं रहा है because it's been more than a month now. It's going to be nearly a month now. 14th को हुआ था last month सुशांत सिंह राजपूत का निधन और अब 14th आने वाला है. अभी तक कुछ movement नहीं हुई है. और मुझे ये information मिली है कि अमिताभ बच्चन जी is the investor and the board member of Radiant Group which owns Nanavati Hospital. And इनका कुछ bad बीच में experience हो गया था कि यहाँ पे ये 7 out of 10 patients को corona positive कह रहे थे और patients को ज़्यादा दिन तक अपने hospital में रख रहे थे. तो देखिए corona is डिजीज, इट्स अ पैंडेमिक जो पूरे विश्व में है, बट कहीं ना कहीं कुछ लोग ऑब्वियसली इस पैंडेमिक का गलत इस्तेमाल भी करते हैं. उनमें से ऑब्वियसली डॉक्टर्स नर्सेस इन्वॉल्व है, हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व है, फार्मा कंपनीज इन्वॉल्व है. जो फार्मा इवन दो फार्मा कंपनीज का यू नो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ग्रेटिट्यूड दिया था इन हिज रीसेंट स्पीच एंड आई रियली एग्री दैट दे आर ऑब्वियसली वर्किंग डे एंड नाइट टू डिवेलप द कोविड किड्स एंड यू नो ऑल सर्टन थिंग्स पैराफिनेलिया जो हमको कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हेल्प कर सके. बट कहीं ना कहीं कुछ फार्मा कंपनीज, कुछ डॉक्टर्स, कुछ हॉस्पिटल्स शायद इस पैंडेमिक का गैर इस्तेमाल कर रहे हैं एंड दे आर मिस यूजिंग द पैंडेमिक फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट. आई होप नानावती इज नॉट वन सच हॉस्पिटल, मगर अमिताभ जी इतना उसको प्रमोट कर रहे हैं कि मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है. तो अमिताभ जी, नानावती हॉस्पिटल के साथ साथ एक वीडियो सीबीआई इंक्वायरी के ऊपर भी बना देना, क्योंकि आप तो कितना एक्टिव रहते हैं ट्विटर के ऊपर. दिस जस्ट अ रिक्वेस्ट, यू नो आई कैन ओनली रिक्वेस्ट यू गाइस, आप लोग कितने बड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट के सिवा तो और कुछ कर ही नहीं सकती. तो ये था द हिपोक्रेसी ऑफ ऑल दीज पीपल. अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में क्या हो रहा है अपडेट, ये तो हम सब रोज ऑब्वियसली न्यूज में फॉलो करने का प्रयास करते हैं, मगर मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि कूपर हॉस्पिटल ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, क्या उसमें बेल्ट या बाथरोब का मेंशन किया गया था? क्योंकि जो इंसान पहले बेल्ट लगाकर अपने आप को हैंग कर रहा है एंड वो बेल्ट टूट जाती है, उसके गले पे इतना भारी यू नो हैवी निशान हो जाता है, उसके बाद वो दुपट्टा ढूंढता है और दुपट्टे से फिर अपने आप को हैंग करता है, साउंड्स लिटिल वियर्ड, साउंड्स लिटिल नॉट लॉजिकल टू मी. क्योंकि जो मार्क था उनके नेक के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा हैवी और स्ट्रांग मार्क था, वो दुपट्टे का मार्क नहीं था, वो
बेल्ट का मार्क था। सो आफ्टर 13 डेज अगर मुंबई पुलिस कहती है कि बात वो बेल्ट से उन्होंने अपने आप को पहले फांसी देने का प्रयास किया और वो बेल्ट टूटने के बाद उन्होंने दुपट्टा लगाया, बिकॉज दुपट्टा या ग्रीन कुर्ता या कपड़ा वॉज द थिंग दैट वॉज हैंगिंग ऑन द फैन वेन हिज बॉडी वॉज रिकवर्ड, देन कहीं ना कहीं ये बात भी डाइजेस्ट नहीं हो रही। सो इतनी सारी बातें सुनने के बावजूद भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स सीबीआई इंक्वायरी की मांग सपोर्ट नहीं कर रहे, तो मुझे लग रहा है कि उनसे ज्यादा हिपोक्रेट और कोई नहीं हो सकता। जाते जाते यस प्लीज गेट वेल सून अमिताभ जी, प्लीज गेट वेल सून ऐश्वर्या बच्चन, आराध्या बच्चन, अभिषेक बच्चन, बट आई होप दैट यू कैन ऑब्वियसली कीप योर कॉन्शियंस अलाइव एंड टॉक ऑल्सो अबाउट सुशांत सिंह राजपूत सीबीआई इंक्वायरी। थैंक यू, नमस्ते, जय श्री राम।